Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक टाउन की है जो आज से 30 साल पहले बहुत ही खुशहाल हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन उसके ऊपर एक कुदरत का कहर बरसा जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को एक भारी सुनामी का सामना करना पड़ा। अब यहाँ के लोगों को रेस्क्यू तो कर दिया गया पर कुछ ही वहाँ मारे गए, जिसके बाद सालों से लोगों ने इंतजार किया कि पानी निकल जाने के बाद वो फिर से इस टाउन को आबाद करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो बहुत टाइम समय तक ऐसे ही डूबा रहा और जब तक पानी निकला उसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए और तब से इसका नाम पड़ गया घोस्ट टाउन। पर क्या सच में वहां पर ऐसा कुछ है, बस ये एक अफवाह है। इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सीन में हम उसी टाउन को देखते हैं जो वीरान हुआ पड़ा है। इतने में हम किसी की चीखने की आवाज सुन पाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। वो शायद किसी से डर कर भाग रही थी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और कुछ ही देर बाद वहां पर एक इंसान आता है जिसके हाथ में बहुत ही अजीब तरह का हथियार था जिसे वो उसे कुचल कर बेरहमी से मार देता है। सो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब हम चलते हैं मेन स्टोरी पर जहाँ हमें एक क्रू दिखाया जाता है जो उस टाउन की ओर बढ़ रहा है। उन्हें इस टाउन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। उनके साथ एक विक्टिम भी मौजूद है जिसका नाम है क्लारा। उसने बचपन में अपनी आंखों से उस मंजर को देखा था पर वो बच गई। अब वो अपने लोगों को उस दिन के बारे में बातें शेयर करती है कि कैसे उस रात बस चारों ओर पानी ही पानी था, सब कुछ डूब चुका था। मैं और मेरी माँ घर के बाहर आ रहे थे पर उस समय भी मेरी माँ ने घर को लॉक कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके सामानों को कोई चुरा न ले, पर वो इस बात से अनजान थी कि अब ये गाँव का अस्तित्व ही मिट जाएगा तो ये घर क्या चीज है। वो ये भी बताती है कि उस दिन कई लोगों को बचा लिया गया लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनकी रखवाली करने के लिए वो वहीं रुक गए पर कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो गए उस गांव के साथ। जब कुछ समय बीत गया तो तरह तरह की बातें बनने लगी, जैसे कि लोग हादसे में मर चुके हैं वो अभी भी इस गाँव की देखभाल करते हैं पर वो काम अब उनकी आत्मा करती है क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उसकी ये बातें सुनकर सभी के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है, इसीलिए फौरन से टाउन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज तो पता होगा कि बिना गैस स्टेशन पर रुके कहानी का प्लॉट नहीं बनेगा, इसीलिए ये लोग भी बहुत ही क्रीपी से गैस स्टेशन पर रुकते हैं और अपनी कार में गैस भरते हैं। वही लड़कियां वॉशरूम यूज करने के लिए जाती हैं पर वहां जाकर उन्हें पछतावा होता है क्योंकि इसे यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। एक अजीब सा आदमी उन्हें घूरने जा रहा था और अंदर हम इस गैस स्टेशन के ओनर को देखते हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कई सालों से खुद को साफ नहीं किया और वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो दूसरी ओर डायरेक्टर गैरेज में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात स्टेशन ओनर के हस्बैंड से होती है जिसका नाम है शिमांगो। जैसा नाम वैसी ही शक्ल। इसकी खैर इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन अबुला उनसे कहती है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा, इसीलिए वो मजबूरी में कीड़े पड़े हुए मीट के टुकड़ों को खरीद लेते हैं। लेकिन बाहर आकर शिमांगो उसके बदले में उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मांगता है जो कि उन्हें देने ही पड़ते हैं, पर जाते टाइम वो उस मीट को टुकड़े को उनके सामने ही फेंक देते हैं और ले लेते हैं वो टन जो उनकी जिंदगी बदलने वाला है। यहाँ पे हम उस टाउन को अच्छे से देख पाते हैं जिसे हमें अंदाजा हो पाता है कि किस कदर यहाँ पर तबाही मची थी। उस समय कार्लो कुछ फोटोज दिखाती है जो उनके बचपन की थी जिसमें इस टाउन को अच्छी हालत में देख सकते हैं। इसके बाद ये सभी फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें शूट करना था। वो जगह कार्लो का घर था लेकिन यहाँ हम किसी और को उनके ऊपर स्नाइपर से नजर रखते हुए देखते हैं। कौन है ये आदमी, वेल आगे पता चलेगा। कार्लो एक करके सभी चीजों को कैमरे के सामने बताना शुरू करती है, कैसे छोटे छोटे बच्चे उनकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ रहे थे लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा। वो लोग वहां तब आए जब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो ये सब बताते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसीलिए डायरेक्टर उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने को कहता है। अब बाहर आने पर हम डियागो और कार्लो के बीच बातें होते हुए देखते हैं जिसे ये पता चलता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद ये लोग अपने अगले शूट के लिए निकल जाते हैं लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि किसी ने इनकी पेट्रोल पाइप को काट दिया है, न जाने कौन होगा ये फिलहाल नहीं पता। अब रास्ते में डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड विकी के फोन को चेक करने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके और नाचो के बीच में काफी टाइम से बातें हो रही है जो कि उसे पसंद नहीं आती। तभी कार रुक जाती है और ये सब बाहर उतर कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पेट्रोल तो सारा बह चुका है इसीलिए अभी आगे नहीं जा सकते। इतने में वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें वही बंदा बाहर निकलता है जो इन लोगों पर नजर रखे हुए था। वो उस पाइप को देख कर कहता है कि ये कटी नहीं है बल्कि इसे काटा गया, इसीलिए हमारे पास के ही गैस स्टेशन जाना होगा, वहां से हमें एक नई पाइप को लाना होगा। डायरेक्टर को ये चीज सही लगती है इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए निकल जाता है, पर जाते हुए वो भी नाचो को धमकाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर है। उधर डियागो, एरिका और कार्लो चले जाते हैं कब्रिस्तान के पास क्योंकि उन्हें भी वहाँ कुछ ऐसे शॉट से लेने हैं, यानी कि अब सब लोग अलग अलग हो गए, कुछ भयंकर तो नहीं होने वाला है, होप सो कि सब लोग सही सलामत हो।
आपको क्या लगता है? इधर नाचो और विकी दोनों प्यार बांटना शुरू कर देते हैं और उधर वो तीनों उस कब्रिस्तान पर पहुंच जाते हैं जो असल में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। वो भी दिन में, रात में अंधेरे में क्या हाल होगा ये तो सिर्फ एक ही आदमी जानता है जिसका नाम है पाब्लो विला। ये आदमी पिछले 40 सालों से इस घोस्ट टाउन में रहता है। उसने एक बुक भी लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि डायरेक्टर के रास्ते में किसी ने बैरिकेडिंग लगा दी है, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। इसीलिए वो आदमी उतर कर उसे हटाने के लिए चला जाता है। वहाँ कब्रिस्तान में ये लोग अपना शूट शुरू करते हैं जिसमें काला बताती है कि कुछ लोग उस सुनामी के टाइम पर अपने गड़े हुए लोगों को यहाँ से ले गए और उन्हें कहीं और जाकर दफन कर दिया। कुछ बचे हुए लोगों ने ऐसा दोबारा करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाए, जिसके निशान हम आज भी देख सकते हैं कैसे कुछ मुर्दे बाहर आकर गिरे पड़े हैं और उनके कंकालों को साफ देखा जा सकता है। वो इन दूसरी ओर डायरेक्टर को रुके हुए बहुत देर हो जाती है कि इतने में कोई आकर उसकी कार पर हमला कर देता है। उसके हाथ में हम सेम वही हथियार देखते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डायरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो इंसान बहुत ही खतरनाक था। वो इसका सर कुचल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो स्नाइपर से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता, यानी कि इनका शिकार हो रहा है। पर शिकारी है कौन, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये कोई घोस्ट है? वेल, इसका जवाब आगे मिलेगा। अब एक साथी तो कम हो गया लेकिन अभी ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब नाचो और विकी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में नाचो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। यहाँ विकी को उसका डॉग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है। इतने में उसकी नजर एक चाकूदार आदमी पर पड़ती है जो किसी जानवर की तरह लग रहा था और उसने एक स्कल मास्क पहना हुआ था। वो उसे बचकर भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती, लेकिन वो उसे पकड़ लेता और वहीं इसका एक और साथी जाकर नाचो को भी पकड़ लेता। अब दोनों इन दोनों को लाकर ट्रक में बांध देते हैं। अब इनका क्या हल होगा ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा, लेकिन ये फिलहाल इन्हें उस टाउन के एक लौते सिनेमा में लेकर जाते हैं जो कि अब किसी भूतिया घर जैसा लगता है। वहां क्लारा शॉट देने के बाद थोड़ा सा और आगे जाती है और अपने लव वंस की ग्रेव को देखने लगती है और वो तेज से चीखती है। उसकी चीख वो दोनों भागते हुए आते हैं और फौरन सब कुछ छोड़कर वैन के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहां तो सन्नाटा हो चुका और इन्हें और थोड़ी दूरी पर जाना होगा जहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाता है, यानी कि और खतरा, और वो भी ऐसी जगह पर। कुछ ही देर बाद वो तीनों वैन तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जो भी था वो सब जा चुके। इसीलिए डियागो आवाज लगाता है, उसे लगता है कि शायद वो आसपास हो, लेकिन उनके कोई भी साथी का आता पता नहीं था। इसीलिए वो तीनों वही वैन के अंदर जाकर बैठ जाते। इतने में बाहर कोई आ जाता और इनकी वैन को हिलाना शुरू कर देता है। जब डियागो बाहर निकलता है तो उसे वहां पर विकी का डॉग मिलता है जिसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। इतने में एरिका वहां से भागना शुरू कर देती है और उसका पैर जाकर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए डियागो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। पर इतने में वहां पर वो शिकारी आ जाता और वो उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाता और देखता है कि कार्लो भी जा चुकी है। इसीलिए वो दूर जाकर एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर उसी स्नाइपर बंदा मिलता है जिसका नाम है जुवांगो। वो उसे छुप रहने को कहता है और जब वो बंदा वहां से चला जाता है तो वहां जाकर देखता है कि वहां बस एरिका का सिर्फ एक पैर है, उसे तो वो सब उठा ले गए। तो आपको लग ही रहा होगा कि ये डियागो यहाँ से भागने की तैयारी में होगा, पर अब उसके अंदर का हीरो जाग जाता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जुवांगो के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ अमेरिका को बंधा हुआ देखते हैं। उसके पास हम उसी ओनर के हस्बैंड को देखते हैं, जी हाँ वही गैस स्टेशन वाले लोग। उनकी पूरी फैमिली ये काम सालों से करती हुई आ रही है। पहले यहाँ पर रहते थे, फिर सुनामी के बाद दूर चले गए, पर कुछ समय बाद ये लौट आए। पर समय के साथ साथ अब खाना और पानी कम होने लगा और इन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। यहाँ हम उसी का नमूना देखते हैं, वो बंदा एरिका के सामने ही दूसरे पैर को भी काट देता है और वो बस चिल्लाती रह जाती है। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती। ये सीन असल में देखने में इतना डरावना और दर्दनाक होता है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। अब यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली बात थी कि ये वो सब उनके उसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है जिसे वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने आ रहा है। वह दूसरी ओर हम एक और आदमी को देखते हैं जो हमें वॉशरूम के बाहर दिखा था, जिसका नाम है जॉनी। वो नाचो और विकी दोनों को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था। उसने पहले तो नाचो के पेट में चाकू घुसा दिया, उसको वहीं मार दिया, जिसके बाद वो विकी से अपना बदला लेगा क्योंकि उसने उसे समय इडियट कहा था। इसी बीच वहां जाता है टीटो नाम का शिकारी जो कि सबसे छोटा है लेकिन सबसे जालिम। वहीं वो विकी के साथ कुछ ऐसा करता है जो हम बता नहीं सकते। इधर जुवांगो को अंदर अपने एक और रूम मिलता है जिसमें तरह तरह के सामान रखे हुए थे, जिसमें उसे एक पर्स मिलती है जिसे खोलने पर उसके अंदर उसकी वाइफ की फोटो दिखाई देती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस औरत को आपने कहानी की शुरुआत में देखा था वो असल में इसी की वाइफ थी। जी हाँ, वहाँ पे हम कई सारे बैग्स, बॉटल, कैमरा, फोन और बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने लोगों को दर्दनाक मौत दी गई है। इतने में उसे एरिका के चीखने की आवाज आती है क्योंकि उसके सामने ही वो इंसान उसे कटे हुए पैर को खा रहा था।
इतने में हम जॉनी को देखते जो विकी को बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन तभी पीछे से डियागो आ जाता और उसका वही खेल खत्म कर देता, फिर विकी को फ्री कर देता है, जिसके बाद उसे एक जगह बैठकर दूसरे लोगों को बचाने के लिए निकल जाता। बीच में उसे एक शिकारी मिलता है जिसको वो चाकू घोप कर मार देता, पर जब वो उसके चेहरे को देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो जुआंगो था, इनके साथ यहाँ पर खेल हो जाता। लेकिन अभी ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम सभी फैमिली मेंबर को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहाँ आती है उस गैस स्टेशन की ओनर, वही बूढ़ी लेडी जो सबसे ज्यादा अजीब थी। वो एरिका को लेकर आती है, जी हाँ वो अभी भी जिंदा है। वो आंटी उसे जबरदस्ती वहाँ मीट खिलाती है जो उसने उस दिन उसके सामने फेंक दिया था। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये मीट किसका है, जी हाँ इंसानों का। वहीं साइड में हम कार्लो को भी पड़ा हुआ देखते हैं। इतने में विकी एक चाकू उठा लेती है, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि अब वो उनका क्या हाल करेंगे। वो ये सोच भी नहीं सकती, इससे अच्छा है कि वो खुद ही मर जाए। अब उसे मरता हुआ देखकर वो बूढ़ी लेडी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है, और ये चीज उनके पागलपन को अच्छे से दर्शाती है। इतने में डियागो फ्री होकर भाग जाता है और उसका पीछे जाता है टीटो, पर उसके सामने वो टिक नहीं पाता और डियागो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगता है कि तभी वहां पर काला आ जाती है, उसे ऐसा करने से रोकती है। अब यहाँ डियागो हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उनके दोस्तों को इन लोगों ने जान से मार दिया और ये चीज वो कैसे बर्दाश्त करे। फिर यहाँ पर क्लारा खोल देती है इस कहानी का सबसे अहम पत्ते, असल में वो भी इस अजीब सी बेरहम फैमिली का हिस्सा है, और उसका कहना है कि उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आया आज तक, और ना ही किसी ने उनकी मदद की, इसीलिए उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। उसका काम है शहर से लोगों को यहाँ पर लाना और फिर अपने परिवार की भूख मिटाना, और यही वो सालों से करती हुई आ रही है। जिसके बाद हम पीछे से टीटू को आते हुए देखते हैं, फिर क्या होगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता और हम फिर से क्लारा को उसे पुराने अवतार में देखते हैं, और इस बारी वो फिर से किसी से लिफ्ट मांगती है जो कि उसे मिल भी जाती है। अब इसके आगे क्या होगा वो तो हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, पर इतनी गारंटी है कि इसका सेकेंड पार्ट पहले पार्ट से बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक होने वाला है। तो फटाफट 400 कमेंट कर दीजिए और 4000 लाइक। वेल, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।